और घर में जो सब्जियां बनती हैं, हरी सब्जी हो गई, वो चीजें खाती नहीं खाती, यानी मैं सब्जी खाऊंगी नहीं, खाती नहीं खाती हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पूरी टीम लेके जो है अलक्षा पब्लिक स्कूल की पूरी टीम लेके आज क्लास 10th और 12th के बच्चों के घर होम विजिट करने के लिए, उनकी तैयारियों को देखने के लिए आ रखे हैं। और अभी हम हमारा पहला गांव है मैथ गांव, जिसमें से आप देख सकते हैं हमारे पीटीआई सर और पीछे साइड प्रिंसिपल सर, इधर अमर सर और जगदीश सर, पीछे किशन सर। आगे मिलते हैं। ये मुड़ गए मैथ गांव की तरफ। आज हम निकल रहे हैं कन्वेंसिंग के लिए होम विजिट अपने स्टूडेंट्स के घर, उनके हालचाल पूछने के लिए और उनकी बोर्ड की क्या तैयारी चल रही है इसको जानने के लिए। आदित्य सामंत, स्टडी टेबल, नेक्स्ट लोकेश सामंत, कुणाल तिगारी, अधिकारी के यहाँ उसके स्टडी टेबल और उसकी तैयारी को देखते हुए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैथ गांव के बाद अब गौर पटिया की खूबसूरत वादियों के बीच अगला जो घर आ रहा है वर्षी का चंद। उसके बाद अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। रोहन के घर के बाद अब अगला घर है अंतराचल। कन्वेंसिंग करते करते अब रात हो चुकी है, हल्का हल्का सा अंधेरा होने लग गया है और ठंडा भी काफ़ी बढ़ गया है। अब हमें एक घर और देखना है, हर्षिता खन का क्लास 10th, और उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, बोर्ड की कैसी तैयारी है क्लास 10th का, इस बार CBSE बोर्ड में उनका क्या परफॉर्मेंस उनको देना है, इसकी पूरी जानकारी लेते हुए आगे मिलते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, हम तो बहुत बहुत हमारा ये अच्छा हमें अवसर मिला कि आज आप हमारे साथ हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज आप यहाँ कैसे? हम आज यहाँ इसलिए आए कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे घर में परफॉर्मेंस कैसा दे रहे हैं, पढ़ाई का परफॉर्मेंस कैसा दे रहे हैं, उनका टाइम टेबल सुबह शाम का क्या है, उनका रूटीन वर्क क्या चल रहा है घर में, वो घर में अपने पेरेंट्सों का कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, और स्कूल में कुछ और हो रहा है प्रोग्राम और घर में कुछ अलग बता रहे हैं, वो अपने काम को सही अंजाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस बारे में हम फीडबैक लेने के लिए उनके घर आए थे। और वो फीडबैक हम तकरीबन आज जो है 10-15 परिवारों में जाके उनके बच्चों से और उनके पेरेंट्सों से मिले और उनका फीडबैक हमने लिया।
तो सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आसपास के लोगों में पड़ा होगा जब गए होंगे तो। बिल्कुल सर, उससे जो है जो आसपास के लोग हैं उनको ये भरोसा होगा कि हमारे बच्चों के प्रति हमारे को भी जो है चिंता है तो टीचर्स को भी चिंता है, तो ये उनके दिल में भावनाएं होनी चाहिए। हम बच्चे को जो है अपना बच्चा समझ के जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए जो है हम वहाँ पर गए।